नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मंगई। क्या बनभूलपुरा में गुरुवार शाम को जो कुछ भी घटा वो विशुद्ध इंटेलिजेंस फेलियर था? पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम उपद्रवियों के चक्रव्यूह में क्या खुफिया तंत्र की कमजोरी की वजह से फंसी थी? आखिर बनभूलपुरा में भड़की हिंसा किसकी चूक का नतीजा रहा? इतनी जाने सांसद में फंस गई, करोड़ों की संपत्ति राख हो गई, पूरा का पूरा शहर सुलग गया। क्या किसी को बवाल की खबर नहीं थी, जरा से भी भनक नहीं थी? उपद्रवियों की छतें पहले से पत्थरों का गोदाम बनी हुई थी, अराजकता फैलाने वालों ने पेट्रोल बम बनाने की कला तक रटी हुई थी। दिन की किस पहर में कहां से कैसे हमला करेंगे, मानो ये सब कुछ तयशुदा था। फिर भी इंटेलिजेंस को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्यों? देखिए, वो सवाल है जो आज लगभग हर किसी के मन में है। अधिकतर सबको लगता है कि हल्द्वानी हिंसा खुफिया तंत्र की विफलता का नतीजा था, लेकिन शायद ऐसा है नहीं। शायद खुफिया विभाग की कार्यकुशलता नहीं बल्कि पुलिस और प्रशासन की गैर गंभीरता वो गलती थी जिसकी कीमत हल्द्वानी ने चुकाई है। साफ कर दूं कि हम नहीं कह रहे, बल्कि एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में छपी कुछ खबरें इस ओर इशारा कर रही हैं। अब समाचार पत्र में ऐसा क्या लिखा है जो हैरान करने वाला है और कुछ हद तक परेशान करने वाला भी, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान गुरुवार शाम हिंसा भड़क गई। बनभूलपुरा क्षेत्र में मलिक के बगीचे में अवैध धार्मिक स्थल ढहाने गई पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिए। इतना ही नहीं, अराजक तत्वों ने हर जगह उपद्रव मचा दिया, थाना फूंक दिया, पेट्रोल पंप फूंका, दुनिया भर की तोड़फोड़ की, सरकारी अमले को घायल किया। शहर में भड़की हिंसा का नतीजा ये हुआ कि कई पुलिसकर्मी गंभीर घायल हो गए, 6 करोड़ की संपत्ति राख हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 5 लोगों की मौत हो गई और अगले दिन तक 18 नामजद समेत 5,000 उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। गौर कीजिए कि जिस दिन ये घटना हुई उसके अगले दिन नैनीताल डीएम मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि घटना सुनियोजित थी, प्लानिंग के तहत हमला किया गया है। हम पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया अपना रहे थे, सरकारी टीमों ने किसी को भड़काया नहीं था, प्रशासन की तैयारी पूरी थी। डीएम के वक्तव्य से लगा कि शायद पुलिस और प्रशासन से कहीं ज्यादा बड़ी चूक खुफिया विभाग ने की है। अगर इंटेलिजेंस चौकन्नी होती तो उपद्रवियों को बवाल काटने का मौका नहीं मिलता, शहर सुलगता नहीं, समय पर उन्हें रोक लिया जाता, कर्फ्यू लगाने की और इंटरनेट ठप करने की जो नौबत आई है वो आते ही नहीं। कुल मिलाकर घटनाक्रम को रोक न पाने में इंटेलिजेंस फेलियर को लोग जिम्मेदार मानने लगे, पर शायद पूरा सत्य ये नहीं है, क्योंकि खुफिया विभाग ने तो अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दे ही दी थी, जिसे शायद गंभीरता से नहीं लिया गया। भारत के प्रतिष्ठित समाचार पत्र अमर उजाला की इस खबर को जरा ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है कि खुफिया रिपोर्ट पर अमल होता तो सुलगने से बच जाता बनभूलपुरा। अब इसका मतलब क्या है, ये जानने के लिए खबर के अंदर लिखी 5 बातों को जानना जरूरी है। पहली बात, खबर में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय को पूरे घटनाक्रम के बारे में जो फीडबैक मिला है उसके मुताबिक बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दे दी थी। ठीक, दूसरी जरूरी बात सूत्रों के हवाले से लिखी गई है। लिखा गया है कि खुफिया रिपोर्ट से करा दिया गया था कि अतिक्रमण अभियान शुरू करने से पहले वहां आबादी क्षेत्र का ड्रोन सर्वे करा लिया जाए ताकि किसी भी तरह के उपद्रव या पथराव की संभावना का पता लगाया जा सके। बताएं कि अतिक्रमण कार्रवाई से पहले क्षेत्र का ड्रोन सर्वे नहीं करवाया गया था, यानी अगर खुफिया विभाग की रिपोर्ट वाली खबर सही है तो प्रशासन ने रिपोर्ट को अनदेखा करके बहुत बड़ी चूक की। खैर, आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्र तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए लिखता है, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अभियान से पूर्व पर्याप्त संख्या में पुलिस और पीएससी की तैनाती कर दी जाए, यदि विवाद उपद्रव या दंगे का हालात बने तो कानून व्यवस्था कायम करने के लिए तत्काल एक्शन लिया जा सके। जाहिर है कि यह भी नहीं माना गया। खबर में आगे लिखा गया है कि इंटेलिजेंस ने यह भी सूचना दी थी कि अतिक्रमण पर बनाए गए जिस धार्मिक स्थल के ढांचे को तोड़ा जाना है वहां पवित्र किताब रखी है कि नहीं, ये भी पता लगा लिया जाए। पवित्र किताब के वहां रखे होने की सूरत में उसे पूरी सावधानी और सम्मान के साथ बाहर निकालकर उचित स्थान पर रखने के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो। और पांचवी और एक और जरूरी बात जिसका खबर में उल्लेख है वो ये है कि आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पूरी घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से लिया है, खासतौर पर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की अनदेखी को भी गंभीर माना है। देखिए, समाचार पत्र की जहां ये खबर ये बताती है कि बनभूलपुरा में घटी हिंसा की घटना प्रशासन की लापरवाही का नतीजा थी, तो दूसरी खबर ये सवाल उठाती है कि अगर प्रशासन पहले से तैयार था, जैसा कि जिलाधिकारी नैनीताल ने भी प्रेसवार्ता में कहा, अगर ऐसा था तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? स्क्रीन पर दिखाई जा रही इस खबर को जरा गौर से पढ़िए। यह अमर उजाला की ही आज की एक अन्य खबर है जिसमें लिखा गया है कि पुलिस प्रशासन ने सिर्फ दफ्तरों में बैठकर बैठकें की और फिर एकाएक बृहस्पतिवार को जेसीबी लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंच गई। इसके लिए ना तो स्थानीय लोगों को विश्वास में लिया गया और ना ही सत्यापन के दौरान मकानों की चेकिंग हुई। इसी का परिणाम रहा कि छतों पर रखे पत्थर जब बरसे तो मौके पर गए सरकारी अमले को जान बचाना भी भारी हो गया। सूत्रों के हवाले से लिखा है कि खुफिया रिपोर्ट को भी दरकिनार कर दिया गया। तैयारियां तो हुई लेकिन सिर्फ बैठकों में, ब्रीफिंग और फ्लैग मार्च भी हुए लेकिन इनका कोई असर कार्रवाई के दौरान नहीं दिखा। तो यानी कि जैसे जैसे घटना की तस्दीक आगे बढ़ रही है वैसे वैसे गलतियों के सुराखों पर रोशनी भी पड़ रही है। क्या जानकारी के लिए बता दें कि जल्द ही घटना का पूरा सच सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि इस मामले की अब मजिस्ट्रेट जाँच होगी।
जी हाँ, शनिवार को मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने कुमाऊं मंडल के आयुक्त को आदेश जारी कर घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। कुमाऊं आयुक्त को 15 दिनों के भीतर घटना की निष्पक्ष जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर के थाना बनबूलपुरा में 8 फरवरी को ही घटना की विस्तृत जांच का आदेश जारी किया है। इस जांच के बाद काफी कुछ साफ होने की उम्मीद है। जो सवाल इस बवाल को लेकर प्रदेश के साथ साथ देश के मन में है, चाहे वो उपद्रवियों से जुड़े हैं, इंटेलिजेंस से जुड़े हों, या चाहे वो प्रशासन से जुड़े हों और पुलिस से जुड़े हों, सारे रहस्य खुल जाएंगे। इंतजार है तो बस जांच शुरू और फिर उसके पूरे होने का। इसमें जो भी खुलासा होगा आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।